अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं आपके साथ लॉन्च का फुल व्लॉग शेयर करूंगी, VIP लॉन्च का दुबई एयरपोर्ट पर। तो अभी हम लोग दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और यहाँ पर अभी हम लॉन्च में एंटर होने लगे हैं। तो इसका जो व्लॉग है कि मैं आपके साथ फुल शेयर करूंगी, लॉन्च का फुल टूर दूंगी आपको। तो बस यहाँ से जो है व्लॉग स्टार्ट होता है। आपने अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये है जी दुबई एयरपोर्ट का VIP लॉन्च। तो अभी हम एंटर हो चुके हैं। ये देखिए जी, ये प्लेइंग एरिया है चिल्ड्रंस के लिए। और सबसे पहले जो आ जाता है ये है टी एंड कॉफ़ी कॉर्नर। तो यहाँ पर आपको टी भी मिल सकती है पीने को, और जो आपका दिल चाहता है वो आप खाएँ पिएँ इंजॉय करें। तो हमारी फ़्लाइट में भी अभी टाइम है, इसलिए हम लॉन्च में आ गए हैं और यहाँ पे जो है कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। उसके बाद जब फ्लाइट का टाइम हो जाएगा तो हम फिर उस तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे जी स्वीट्स की जो है डिफरेंट वैरायटी मौजूद है, चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं ये चीज़ें खाकर। देखने में बहुत ज़्यादा यमी लग रही हैं। और इस तरफ जी ये पुडिंग वगैरह पड़ी हुई है, और दूसरी तरफ जो है स्वीट्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मुझे अब इनके नेम भी नहीं याद, डेट्स वगैरह भी हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हस्बैंड यहाँ पे अपने लिए बना रहे हैं कॉफ़ी, और वैसे भी सुबह सुबह का टाइम है तो चाय और कॉफ़ी उनको पसंद है, इसलिए वो तो पीते हैं। मुझे नहीं पसंद, कॉफ़ी मैं कभी कभी पी लेती हूँ लेकिन चाय मैं बिल्कुल भी नहीं पीती, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से। और वैसे भी खुशी और एक्साइटमेंट की वजह से कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर बस देखें जी, उनकी कॉफ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है, वो यहाँ से कॉफ़ी लेंगे और कॉफ़ी इंजॉय करेंगे। तो यहाँ से जी मैंने सिर्फ पानी पिया, और उसके बाद जी अभी मैं जा रही हूँ खजूर लेने। मैंने कहा चलो खजूर ही टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी बैंगल्स, रिंग्स और प्यारे प्यारे से हाथ दिखा रही हूँ, और बस थोड़ा सा जो है मैंने ये क्लिप शूट किया। उसके बाद जी ये मैं अभी आ गई हूँ खजूर लेने के लिए। तो बस सिर्फ 2 पीस ही लिए हैं मैंने खजूर के, और अभी मैं ये खजूर खाती हूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ कि खजूर कैसी थी। अच्छा जी, जब हम लॉन्च में एंटर हुए, एंट्री करने के बाद सबसे पहले आ जाता है जी ये कॉफ़ी कॉर्नर, टी कॉर्नर। यहाँ बैठ के आप टी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद जी स्लीपिंग एरिया था जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं। और उसके बाद अभी आपने देखा होगा कि प्लेइंग एरिया था बच्चों के लिए। और अभी अब नेक्स्ट चलें लॉन्च की तरफ। तो नेक्स्ट जो है ये इस तरह से यहाँ पर बुफे सिस्टम होगा। अगर लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, जो भी टाइम चल रहा होगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपको खाने पीने को चीज़ें मिलेंगी। अभी ये देखेंगे आइसक्रीम है यहाँ पर, और फ्रेश जूसेस हैं, मैंगो, ऑरेंज और एप्पल। और उसके बाद जी इस तरह से बैठने के लिए जगह बनी हुई है, बहुत ही अच्छा जो है सिस्टम है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा इस लॉन्च में भी। और यहाँ पे ये सब जो है कॉफ़ी, ग्रीन टी, शुगर, सॉल्ट वगैरह है। और इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पे ये देखें जी 10 पैक्स पड़े हुए हैं कोल्ड ड्रिंक के। उसके बाद फ्रेश जूसेस हैं, योगर्ट है, पुडिंग है, सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, जो आपका दिल करे आप वो खा सकते हैं। और इस तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये बिस्किट्स वगैरह हैं, बन हैं। तो यहाँ पे जी ये पैकेट्स में निमको वगैरह पड़ी है, और इस तरफ जो है ये बन हैं, पेस्ट्रीज वगैरह हैं। और ये देखें ये फ्रूट्स हैं, कटे हुए स्लाइसेस में कट किया गया फ्रूट्स को, मेलन, वाटरमेलन, मैंगो, सब फ्रूट हैं। और ऊपर भी ये फ्रूट्स पड़े हुए हैं, एप्पल है, सब चीज़ें हैं, बनाना वगैरह। और इधर भी देखेंगे स्वीट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है। और उसके बाद दूसरी तरफ आ जाए तो यहाँ पे ये बुफे सिस्टम है, इधर भी खाने को बहुत सी चीज़ें हैं, 7-8 डिशेज़ बनी हुई हैं, दाल वगैरह है और सॉसेज वगैरह है। वो मैं नहीं खाती इसलिए मैंने यहाँ से लिया नूडल्स लिए, क्योंकि राइस नहीं थे। अगर राइस होता तो मैं वो ले लेती, लेकिन राइस नहीं थे तो मैंने यहाँ से नूडल्स लिए। और पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ ना कि ये सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और ये देखें, ये भी फुल, ये वाली साइड भी फुल जो है ना वो स्वीट से भरी हुई है। स्वीट कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो तो खाते हैं, मुझे स्वीट नहीं पसंद, इसलिए मैं नमकीन और स्पाइसी चीज़ की तलाश में थी कि कुछ मिल जाए मैं वो खा लूँ। लेकिन जब नहीं मिला तो मैंने कहा चलो अब फिर नूडल्स के साथ ही गुजारा किया जाए, नूडल्स ही खा लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ प्लेट लेके नूडल्स लेने। तो यहाँ पे हस्बैंड मुझे दोबारा से दिखा रहे थे कि ये चीज़ें बनी हुई हैं, अगर कुछ लेना है तो बताओ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पसंद ये वाली चीज़ें,
तो मैं सिर्फ़ नूडल्स ही ले लेती हूँ। तो बस यहाँ से मैंने नूडल लिए। वैसे भी सुबह सुबह कुछ खाने को दिल नहीं करता, बस हल्का फुल्का सा जो है वो मैंने कहा चलो नूडल्स ले लेते हैं और साथ ही जो है वो मैं सैलड ले लूँगी, तो बस इतना जो है वो मेरे लिए काफ़ी है। हस्बैंड को मैंने बोला आप मेरे लिए प्लेट रेडी करें और मैं वीडियो क्लिप्स बना लूँ, तो बस यहाँ पे वो मेरे लिए प्लेट रेडी कर रहे हैं। नूडल्स लिए मैंने और साथ जो है वो मैंने थोड़ा सा सैलड लिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं भी फ्रूट्स देख रही हूँ क्योंकि मुझे जो है ये देखने में बहुत यमी लग रहे हैं, फ्रेश फ्रेश। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से कुछ ले लूँ। और उसके बाद जी हस्बैंड यहाँ पर ले रहे हैं जी एप्पल जूस, और मैंने जो है वो फ्रूट्स में लिया नाशपाती क्योंकि मुझे नाशपाती बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जी जो जो हमने खाना था वो हमने प्लेट्स में जो है वो प्लेट्स रेडी करके तो हम ले आए हैं यहाँ पर, और अभी इधर बैठ के हम आराम से खाएंगे पिएंगे। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना ये है कि व्लॉग को लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, लाइक किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। उसके बाद जी वो सब चीज़ें खा ली मैंने, और सब चीज़ें क्या बस थोड़ी सी खाएँ, और देखे नाशपाती में लेकर आई लेकर मैंने खाई ही नहीं, और बस यहाँ पे जूस वगैरह पिया। और बस अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि फ़्लाइट में जो है अभी टाइम है, तो बस इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के हम लोग। फ़ाइनली फ़्लाइट का टाइम हो गया है और फ़्लाइट जो है वो लेट हो गई थी, तो फिर इसलिए और भी इंतज़ार करना पड़ा। और अभी हम जा रहे हैं प्लेन की तरफ, तो आज का व्लॉग जो है वो भी यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और इंशाल्लाह एक नए और अच्छे व्लॉग के साथ दोबारा मिलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।